नमस्कार दोस्तों, नीम कौली बाबा ने बड़े प्रेम और संवेदनशीलता से जीवन व्यतीत किया। उनकी कथाओं ने अनेक लोगों को प्रभावित किया है। उनके उपदेश और चमत्कारी घटनाओं ने कई लोगों को प्रेरणा दी है। एक बार एक भक्त नीम कौली बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम नाम में प्रेम रखो, फिर देखो भगवान कैसे पास आते हैं। इस कथा से समझ आता है कि नीम कौली बाबा हमेशा प्रेम और भक्ति की अहमियत को महत्व देते थे और राम नाम की महिमा को सिखाते थे। नीम कौली बाबा अपने भक्तों को कई सारी बातें बताते थे जो आज भी लोगों को सही मार्गदर्शन कराती है। साथ ही बाबा ने कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो यदि किसी मनुष्य को दिखाई दे तो समझिए कि उनका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा को 20वीं सदी का सबसे महान संत माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम कौली भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा को हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त थी। नीम कौली बाबा ने अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो यदि किसी मनुष्य को दिखाई दे तो समझिए कि उनका भाग्य बदलने वाला है। अच्छे दिन शुरू होने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं, आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है साधु संतों का नजर आना। नीम कौली बाबा के अनुसार साधु संतों का दिखना शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि उन्हें ईश्वर द्वारा देवदूत के रूप में भेजा गया है। यदि आपको भी साधु संतों के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म होने वाली है। नंबर दो, पशु पक्षियों का घर आना। दोस्तों, पशु पक्षी अगर आपके घर पर आए तो इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के घर पशु पक्षी आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नंबर तीन, भजन कीर्तन में अचानक से आंसू बहना। यदि भजन कीर्तन के दौरान आपके आंखों से आंसू बहने लगे तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान आपके साथ है और आपको दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे तीन अद्भुत संकेत जो भाग्य बदलने से पहले भक्तों को मिलते हैं। यदि आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझिए कि बहुत जल्द आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।